नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का मंथन में स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम लोग झारखंड में संचालित की जाने वाले विभिन्न कृषि योजनाओं को देखेंगे। आज का यह सेशन जो है झारखंड में आयोजित होने वाली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं, चाहे वो जेपीएससी से संबंधित हो या झारखंड एसएससी के द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षाएं, उसके लिए यह सेशन अत्यंत ही महत्वपूर्ण है और योजनाओं से प्रत्येक एग्जाम्स में आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। इससे पूर्व हम लोगों ने झारखंड के प्रमुख स्वास्थ्य, सामाजिक और शिक्षा के क्षेत्र की योजनाएं देख चुके हैं। यदि आप लोगों ने उस सेशन को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, साथ ही आपको ऊपर आई बटन में भी उसका लिंक मिल जाएगा। तो आइए आज के इस सेशन को, जिसमें झारखंड के प्रमुख कृषि योजनाओं को हम लोग देखने वाले हैं, उसे प्रारंभ करते हैं। और सर्वप्रथम हम लोग मुख्यमंत्री सूखा राहत योजना को देखते हैं। मुख्यमंत्री सूखा राहत योजना 15 नवंबर 2022 ईस्वी को प्रारंभ की गई थी और 2022 में पड़े सूखे के कारण झारखंड राज्य के 22 जिलों के 226 प्रखंडों को सूखा घोषित किया गया था। इस योजना के तहत सूखा प्रभावित क्षेत्र के प्रत्येक परिवार को 3,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना के लाभ प्राप्त करने के लिए प्रत्येक लाभार्थी को 1 रुपये का आवेदन शुल्क के साथ में सरकार को आवेदन देना था। इसके लाभ प्राप्ति के लिए जो प्रमुख प्रावधान रखे गए थे या जो प्रमुख पात्रता शर्तें थी वह क्या थी, तो सर्वप्रथम होना चाहिए कि भूमिहीन कृषक होना चाहिए, 33% फसल को क्षति पहुंचनी चाहिए और 2022 में खरीफ फसल की बुआई उस किसान ने नहीं की हो, उन किसानों को ही मुख्यमंत्री सूखा राहत योजना के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। अगली योजना है मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना और इसे तत्कालीन उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के द्वारा 10 अगस्त 2019 ईस्वी को रांची के हरमू मैदान से प्रारंभ किया गया था। मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना का मुख्य उद्देश्य था कृषि उत्पादन में वृद्धि करके किसानों को संकट से उबारना। इस योजना के प्रमुख प्रावधान थे कि जो भी किसान इस योजना में लाभार्थी होगा उसके लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई थी और किसानों को खरीफ फसल के लिए 5,000 रुपए प्रति एकड़ तथा 25,000 रुपए प्रति 5 एकड़ भूमि के लिए भुगतान किया जाना था। 5,000 रुपए प्रति एकड़ जो था न्यूनतम था और मैक्सिमम 25,000 रुपए का भुगतान अधिकतम भुगतान की श्रेणी में रखा गया था। इस आर्थिक भुगतान को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से किसानों के बैंक खातों में 2 बराबर किस्तों में इसे दिया जाना था और इससे झारखंड के लघु तथा सीमांत किसान अत्यंत ही लाभान्वित हुए थे। इस योजना के लिए 2,250 करोड़ रुपए का बजट राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित किया गया था। इस योजना के अंतर्गत ही तत्कालीन उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के द्वारा राज्य के कृषि विभाग की योजनाओं की जानकारी देने के लिए सारथी रथ अभियान भी प्रारंभ किया गया था। अगली योजना है चैम्बर ऑफ फार्मर्स योजना और यह 2021-22 में प्रारंभ की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था व्यापारियों के मध्य बेहतर समन्वय स्थापित करना और मार्केटिंग की संभावना को बढ़ाना। इस योजना के द्वारा कृषकों के समूह का विकास किया जाना था जो कि राज्य में लघु कृषि उद्योग को बढ़ावा देते हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था कि किसान को कृषि उपज का उनका उचित मूल्य प्रदान करना तथा झारखंड में लघु खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना करना। अगली योजना है किसान समृद्धि योजना और इसे 2021-22 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। इस योजना के अंतर्गत राज्य के सभी प्रखंडों में सोलर आधारित डीप बोरिंग द्वारा सिंचाई की सुविधा का विकास करना था। अगला योजना है कि समेकित बिरसा ग्राम योजना और इसे 2021-22 में प्रारंभ किया गया था। इस योजना के अंतर्गत राज्य के प्रत्येक जिले के एक गांव को बिरसा ग्राम के रूप में नामित करके वहां पर किसान सर्विस सेंटर की स्थापना करना था, जिसके माध्यम से उस गांव के कृषक समूहों को प्रशिक्षित किया जाना था और उन कृषकों के
उत्पाद के लिए बाजार उपलब्ध कराना इसका मूल उद्देश्य था। अगला योजना है झारखंड राज्य उद्यान प्रोत्साहन सोसाइटी, और इसे 2021-22 में प्रारंभ किया गया था। इस योजना के तहत ऐसी संस्थागत व्यवस्था का विकास करना था जो क्षेत्रीय स्तर पर उद्यान निदेशालय एवं राज्य बागवानी मिशन के द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं का अनुश्रवण एवं उनका मूल्यांकन करती हो। इसके माध्यम से कृषकों को उद्यमियों तथा व्यापारियों के साथ बेहतर संबंध बनाने की भी बात इसमें कही गई थी। अगला योजना है गौ मुक्ति धाम स्थापना योजना, और इसे 2021 से प्रारंभ किया गया था। इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य था गौवंशीय या गाय के मृत शरीर का उचित तरीके से निपटान करना, और इसके लिए राज्य के सभी प्रमंडलों में एक एक गौ मुक्ति धाम की स्थापना का प्रावधान गौ मुक्ति धाम स्थापना योजना में किया गया है। अगला योजना है जोड़ा बैल वितरण योजना, और इसे 2021 में प्रारंभ किया गया था। इस योजना के अंतर्गत राज्य के प्रक्षेत्र तथा अन्य गौपालकों से प्राप्त बाछाओं को, ध्यान रखिएगा, गाय के नर बच्चों को बाछा कहा जाता है, और इन बाछाओं को बैल के रूप में तैयार किया जाएगा, और इनका वितरण राज्य के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में निवास करने वाले किसानों के मध्य किया जाना था, ताकि बैल खरीदने में वो जो खर्च कर रहे हैं उस खर्च को कम किया जा सके। अगली योजना है झारखंड राज्य फसल राहत योजना, और इसे 2021 में प्रारंभ किया गया था। इसका प्रावधान था कि फसल नुकसान की भरपाई जो है वह सीधे राज्य सरकार के द्वारा की जाएगी, और इसके लिए बजट 100 करोड़ रुपए का रखा गया था। इस योजना के अंतर्गत किसी भी प्राकृतिक आपदा या प्राकृतिक घटनाओं के कारण यदि राज्य में फसल को क्षति होती है तो उससे किसानों को राज्य सरकार के द्वारा सीधा आर्थिक सहायता प्रदान किया जाएगा। अगली योजना है समेकित मत्स्य पालन योजना, और इसे 2021 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। इसके लाभार्थी को कम लागत पर अधिक आय प्राप्त करने में सक्षम बनाना था, और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए राज्य के किसानों के मध्य प्रायोगिक तौर पर मछली के साथ में बत्तख पालन और मछली के साथ में ही सूकर पालन करवाने का विचार इस योजना के अंतर्गत रखा गया है। अगली योजना है जोहार परियोजना, और जोहार का फुल फॉर्म है आपका यहाँ पर जोहार, झारखंड अपॉर्चुनिटी फॉर हार्नेसिंग रूरल ग्रोथ, ग्रामीण विकास से संबंधित यह जोहार परियोजना है। इसका लक्ष्य था 2021-22 में कुल 4000 उत्पादक समूहों का विकास करना और 1,10,000 परिवारों को विभिन्न उत्पादनों से जोड़ने का लक्ष्य जोहार परियोजना के अंतर्गत रखा गया था। इस परियोजना का संचालन झारखंड सरकार के द्वारा वर्ल्ड बैंक की सहायता से किया जा रहा है। यदि मूल्यांकन की बात करें तो वर्तमान समय में 3,921 उत्पादक समूहों का निर्माण किया जा चुका था और 2,13,000 परिवारों को विभिन्न उत्पादों के साथ इस योजना में जोड़ा जा चुका है। अगली योजना है अल्पकालीन कृषि ऋण राहत योजना या झारखंड किसान ऋण माफी योजना, इसे 7 फरवरी 2021 ईस्वी को प्रारंभ किया गया था, और उस समय इसका उद्घाटन झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख के द्वारा किया गया था। बादल पत्रलेख के द्वारा इस योजना का शुभारंभ जामताड़ा के मोलेंद्र बेसरा से किया गया था, और इस योजना के जो प्रमुख प्रावधान है वह क्या क्या है उसे देख लेते हैं। तो 9,00,000 किसानों को इस योजना से लाभ प्राप्त होगा और प्रति परिवार एक सदस्य को 50,000 रुपए तक का बैंक ऋण सरकार इस योजना के माध्यम से चुकाएगी, और ऋण की जो राशि होगी उसका भुगतान किसान के बैंक खाते में सीधे राज्य सरकार के द्वारा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से किया जाएगा। इस योजना में रैयत और गैर रैयत दोनों को शामिल किया गया है। योजना में शामिल होने के लिए किसान के लिए जो पात्रता की शर्त निर्धारित की गई है वह क्या है, तो वह आपका है कि वह किसान पात्र होगा इस योजना में शामिल होने के लिए जिनकी आयु 18 वर्ष हो तथा वह झारखंड का मतदाता होना चाहिए, तभी उसे इस योजना का लाभ
प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त 10,000 रुपए से अधिक का यदि आप मासिक पेंशन पा रहे हैं तो उन व्यक्तियों को इस योजना का लाभ प्रदान नहीं किया जाएगा। अगली योजना है मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना और इसे 2020-21 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? तो अच्छी नस्ल के गाय, बकरा, बकरी, सुअर और मुर्गी के द्वारा पारंपरिक पशुपालन को बढ़ावा देकर झारखंड के निवासियों और किसानों का आर्थिक सशक्तिकरण करना। इस योजना के अंतर्गत शेड्यूल ट्राइब के सदस्यों को 100% और विधवा, दिव्यांग, 50 वर्ष से कम आयु के निसंतान दंपति को 90% अनुदान दिया जाएगा। वहीं दूसरे लोगों के लिए 50% अनुदान का प्रावधान इस योजना में किया गया है। अगली योजना है पोस्ट हार्वेस्ट एवं रिजर्वेशन आधारभूत संरचना के लिए विकास योजना। तो इसका उद्देश्य है बागानी फसलों की कटाई के उपरांत जो होने वाली नुकसान है उस नुकसान को रोकना तथा फलों और सब्जियों की सेल्फ लाइफ को बढ़ाते हुए उन्हें अधिक दिनों तक संवर्धित और सुरक्षित रखना। इस कार्य के लिए झारखंड में 24 कोल्ड स्टोरेज या लघु शीतगृह की स्थापना का प्रावधान इस योजना में किया गया है, जिससे किसान अपने उत्पादों को काफी लंबे समय से इन कोल्ड स्टोरेज में स्टोर करके रख सकते हैं तथा ये जो कोल्ड स्टोरेज होंगे ये किसानों को उनके उत्पाद को बेचने में सहायता भी प्रदान करेंगे। अगली योजना है बिरसा हरित ग्राम योजना और इसे 4 मई 2020 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा प्रारंभ किया गया था। इस योजना का मूल उद्देश्य है प्राकृतिक संसाधनों का संवर्धन तथा गांव के अति गरीब परिवारों हेतु आजीविका के अस्थायी स्रोत का सृजन बिरसा हरित ग्राम योजना के अंतर्गत करना था। इस योजना का क्रियान्वयन ग्रामीण विकास विभाग झारखंड सरकार के द्वारा किया जा रहा है और इसका प्रमुख प्रावधान क्या है? तो मनरेगा के तहत 25,000 एकड़ गैर मजरुआ जमीन पर मिश्रित पौधरोपण किया जाएगा। यह गैर मजरुआ जमीन या तो सरकारी जमीन होगी या बंजर भूमि होगी या सड़क के किनारे की जमीन पर विभिन्न प्रकार के पौधों का पौधरोपण किया जाएगा। और इसमें पौधे कौन कौन से हैं? तो आम, अमरूद, इमारती लकड़ी, नींबू और सहजन, ये 5 पौधों का पौधरोपण इस योजना के अंतर्गत किया जाएगा। और इसके तहत 5 करोड़ पौधरोपण का लक्ष्य झारखंड सरकार के द्वारा रखा गया है और पौधरोपण के 3 वर्ष के पश्चात प्रत्येक शामिल परिवार को, यानी इस योजना में जो परिवार शामिल हैं, उनको 50,000 रुपए वार्षिक की आमदनी होने का अनुमान सरकार के द्वारा लगाया गया है। और इसके अतिरिक्त इस योजना के माध्यम से मनरेगा के तहत 25 करोड़ मानव श्रम दिवस का सृजन करने का लक्ष्य भी सरकार ने रखा है। उल्लेखनीय तथ्य है कि योजना के माध्यम से बंजर भूमि पर ब्लॉक प्रणाली के तहत वृक्षारोपण किया जाएगा और उसे हरा भरा करके अति गरीब, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, भूमिहीन और आदिम जनजाति के परिवारों को सौंपा जाएगा ताकि उनको ये 50,000 रुपए की जो आमदनी होने वाली है वार्षिक, वह वो प्राप्त कर सके और आर्थिक रूप से ये जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं वह उनका आर्थिक सशक्तिकरण किया जा सके। अगली योजना है नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना और इसे 4 मई 2020 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा प्रारंभ किया गया था। इसका लक्ष्य है जल संरक्षण की विभिन्न संरचनाओं का निर्माण करना और राज्य की वार्षिक जल क्षमता में 5,00,000 करोड़ लीटर की जल वृद्धि करना। इसके साथ ही इस योजना के माध्यम से 5,00,000 एकड़ बंजर भूमि के संवर्धन की बात भी का लक्ष्य भी इस योजना के तहत रखा गया है। इस योजना को मनरेगा के माध्यम से क्रियान्वित किया जाएगा और मनरेगा के तहत इस योजना के माध्यम से 10 करोड़ मानव श्रम दिवस के सृजन करने का लक्ष्य सरकार ने रखा है। यह योजना मूल रूप से पलामू, गढ़वा और लातेहार जिलों के सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए इस योजना को निर्मित किया गया है तथा उनकी सूखे की समस्या से निपटना सरकार का मूल उद्देश्य है। अगली योजना है मुख्यमंत्री कृषि यंत्रीकरण योजना और इस योजना को 2020 में प्रारंभ किया गया था, जिसका उद्देश्य है राज्य में कृषि का यंत्रीकरण करना।
इसके लिए झारखंड राज्य में किसानों एवं महिला स्वयं सहायता समूहों के मध्य 90% अनुदान पर मिनी ट्रैक्टर, पावर टीलर और पंप सेट आदि का वितरण झारखंड सरकार के द्वारा इस कृषि यंत्रीकरण योजना के अंतर्गत किया जा रहा है। अगली योजना है कृषि क्लिनिक योजना। इसे 2020 में प्रारंभ किया गया था और इसका उद्देश्य है किसानों को तकनीकी परामर्श उपलब्ध कराना, पशुपालन तथा कृषि से संबंधित प्रारंभिक प्रशिक्षण देना, इसके अतिरिक्त ऋण उपलब्ध कराना कृषि क्लिनिक योजना का प्रमुख उद्देश्य है। योजना के माध्यम से कृषि क्लिनिक और व्यवसाय केंद्रों की स्थापना की जाएगी तथा फसलों और पशुओं की उत्पादकता में वृद्धि की जाएगी और इसमें सहयोग कौन करेंगे, तो कृषि क्लिनिक इसमें सहयोग करेंगे। अगली योजना है झारखंड कृषि कार्ड योजना। इसे 2020 में प्रारंभ किया गया था जिसका उद्देश्य है किसानों को प्राप्त होने वाली अनुदान राशि का भुगतान उनके बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से किया जाएगा, जिसके कारण किसान और सरकार के मध्य जो बिचौलिए हैं उनका उन्मूलन हो जाएगा और सरकार के द्वारा प्रदान की जाने वाली जो अनुदान राशि है वह 100% उनके लाभुकों तक पहुंच सके। ये मूल उद्देश्य है झारखंड कृषि कार्ड योजना का और इसके माध्यम से किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ उनके पहचान पत्र के द्वारा उन्हें सीधा उनके बैंक खाते में प्रदान किया जाएगा। अगली योजना है COVID-19 किसान तत्काल राहत योजना और यह जो योजना है कोविड महामारी के दौरान लॉन्च की गई थी। इसके दौरान डेयरी किसानों को बिना किसी शर्त के 50,000 रुपए की राशि का ऋण सरकार के द्वारा प्रदान किया जाना था। अगली योजना है अटल ग्रामोत्थान योजना और इस योजना को 2019-20 में प्रारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य था राज्य के गांवों को मॉडल गांव के रूप में विकसित करना, यानी गांवों में जो आधारभूत इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके विकास की बात इस योजना के अंतर्गत कही गई है, जिसके अंतर्गत इंटरनेट से लेकर के सड़क और विभिन्न प्रकार के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका निर्माण गांवों में भी करना था। अगला योजना है उन्नति योजना और इसे दिसंबर 2019 में प्रारंभ किया गया था। इस योजना को मनरेगा के तहत प्रारंभ किया गया था और इसके अंतर्गत वैसे परिवार जिन्होंने पिछले वित्तीय वर्ष में मनरेगा के तहत 100 दिन का कार्य पूरा किया है, उन परिवारों के एक सदस्य जिनकी आयु 18 से 45 वर्ष के मध्य है उन्हें कौशल विकास हेतु राज्य सरकार के द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा और उनका आर्थिक सशक्तिकरण किया जाएगा। अगली योजना है झारखंड मुक्त मोबाइल फोन योजना। इसका प्रारंभ किया गया था 2018 में। योजना के माध्यम से किसानों को ऑनलाइन कृषि से जोड़ना इस योजना का मूल उद्देश्य था। इसके द्वारा 28 लाख किसानों को स्मार्टफोन प्रदान किया गया था और इन किसानों को ई नाम पोर्टल से जोड़ना ताकि वे अपने उत्पादों को बेच सके। अगला योजना है मुख्यमंत्री शहीद ग्राम विकास योजना और इसे 18 दिसंबर 2017 को प्रारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य था झारखंड राज्य के शहीदों के गांवों का विकास करना, उन शहीदों के गांवों को जो कि मूल रूप से स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ते हुए झारखंड राज्य में शहीद हुए थे। योजना की शुरुआत जो हुई थी वह खूंटी जिला के उलिहातू से हुई थी और हम लोग जानते हैं उलिहातू भगवान बिरसा मुंडा का गांव है और इस योजना के तहत कुल 30 गांवों का चयन किया गया है जिसमें से एक गांव उलिहातू है जो कि बिरसा मुंडा का गांव था और इन गांवों में सरकार के द्वारा विकास से संबंधित जो भी आधारभूत सुविधाएं हैं उसका विकास किया जाना था। इसके अतिरिक्त यहाँ पर सिद्धू कान्हू के गांव भोगनाडी, तेलंगा खड़िया के गांव मुरगू गुमला जिला में, देवा किसुन का गांव गोविंदपुर मातकोम बेड़ा गांव सरायकेला खरसावा में, गया मुंडा का गांव एटकेडी खूंटी जिला में, नीलांबर पीतांबर मदगढ़ी पलामू में, चतरा भगत का गांव चिंगरी नवाटोली गुमला जिला में तथा वीर बुधु भगत का गाँव सिलगाई रांची में, ये प्रमुख गांव है जहां सरकार के द्वारा इस योजना के अंतर्गत आधारभूत सुविधाओं का विकास किया जाना अपेक्षित है। अगली योजना है आर्या योजना। यहां सर्वप्रथम हम लोग आर्या का फुल फॉर्म देख लेते हैं।
तो अट्रैक्टिंग रूरल यूथ इन एग्रीकल्चर, ग्रामीण युवाओं को कृषि की ओर आकर्षित करना आर्या योजना का पूरा रूप है। इसका उद्देश्य है राज्य में हरित क्रांति के लक्ष्यों को प्राप्त करना और इसे 2017 में प्रारंभ किया गया था। योजना का क्रियान्वयन कृषि विभाग के आत्मा संस्था के द्वारा किया जाना था और इसके द्वारा प्रत्येक गांव से 2 युवकों का चयन करके उन्हें प्रशिक्षण प्रदान करना था ताकि वो बेहतर ढंग से कृषि कर पाए। अगली योजना है खुदिया बियर योजना और यह योजना 18 दिसंबर 2016 ईस्वी को प्रारंभ की गई थी। इसका मूल उद्देश्य था भूमि की सिंचाई करना। इस योजना का लक्ष्य था 27 गांवों के 42,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचित करना और इसकी शुरुआत बोकारो के टास प्रखंड के गवई बराज गांव तथा धनबाद के गोविंदपुर गांव में 272 करोड़ रुपए की लागत से खुदिया बियर योजना का प्रारंभ किया गया है। अगली योजना है तिलका मांझी कृषि पंप योजना और इसे 2 जुलाई 2016 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था जिसका उद्देश्य था ग्रामीण किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना और प्रत्येक विधानसभा के 50 गांवों का चयन कर ग्रामीण कृषि पंपों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराने का बात तिलका मांझी कृषि पंप योजना में कहा गया है। यानी जो भी कृषि पंप होंगे जिनसे सिंचाई की जाती है उन्हें निःशुल्क विद्युत कनेक्शन प्रदान किया जाएगा। अगली योजना है सौभाग्य योजना और इसे 31 दिसंबर 2017 में प्रारंभ किया गया था। इसका लक्ष्य था राज्य के सभी गांवों को बिजली उपलब्ध कराना। अगली योजना है डेयरी पशु विकास कार्यक्रम और इसे 2005 में प्रारंभ किया गया था। इसका जो प्रमुख प्रावधान है वह कुछ इस प्रकार है कि ग्रामीण क्षेत्र के पशुओं के नस्ल में सुधार कर दुग्ध उत्पादन को बढ़ाना और यह जो योजना है भारत एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज फाउंडेशन के द्वारा इसका क्रियान्वयन किया जा रहा है। अगली योजना है मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना और इस योजना को 2001 में प्रारंभ किया गया था जिसका मूल उद्देश्य है प्रखंड मुख्यालय से जुड़ने वाले सड़कों में पुल पुलिया का निर्माण कर आवागमन को सुगम बनाना। तो आज का जो सेशन था झारखंड में कृषि योजनाएं यहीं पर समाप्त होता है। यह सेशन आने वाले विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, अतः इसे अंत तक देखिए, इसके नोट्स बनाइए और यहां से आने वाले प्रश्नों के आप सही सही उत्तर पेपर्स में दे करके आइए। यदि आप लोगों को यह सेशन पसंद आ रहा है, इससे लाभ हो रहा है, तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही नोटिफिकेशन की घंटी को जरूर दबा दें ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए मंथन क्योंकि मैं इस प्रकार के वीडियोज लाता रहता हूँ। थैंक यू।